वेट लॉस या फिर हेल्थ मेंटेन करना, डाइट राइट आपकी सेवा में हाजिर है, वो भी एट द लोवेस्ट प्राइस एवर। डाइट राइट लाया है कस्टमाइज्ड डाइट फूड, 5 मील्स पर डे ओनली एट 425। आपका डाइट फ्रेश और ऑलिव ऑयल में बनाकर आपके घर फ्री डिलीवर किया जाएगा। तो घर बैठे करे फैट लॉस और एक हेल्थी लाइफ के लिए अभी कॉन्टेक्ट करे डाइट राइट। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने जैन मंदिर या आमतौर पर नंगा बाबा पुतला कहकर जो जगह फेमस है, उस जगह पर ये इतने सारे लोग बैठे हुए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, क्यों आए हैं ये लोग? तो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में मुंब्रा कौसा में कई अवैध निर्माण खड़े हो गए, अवैध इमारतें खड़ी हो गई, बिल्डरों के वारे न्यारे हो गए, बारों से लेकर के कारोबारों तक बिल्डरों की ये जमात। फिर मकान बेचने के बाद किस तरीके की समस्याओं का सामना इन फ्लैट धारकों को करना पड़ता है, उसकी एक लंबी कानूनी लड़ाई जो है लड़ी जा रही है पिछले लगभग 2 से 3 वर्षों से। ये जानना मामा करके हैं पारस अपार्टमेंट के, पारस अपार्टमेंट से ये मुद्दा उठा है और इस मुद्दे को लेकर के चल रहे जानना मामा और उनके परिवार तथा बिल्डिंग के तमाम दूसरे फ्लैट धारक। एक यूनिटी बनी हुई थी लेकिन उस यूनिटी को कहीं ना कहीं बिल्डर और अन्य लोगों ने जो है तोड़ने की कोशिश की। क्या मुद्दे हैं? बिल्डिंग रिपेयरिंग को जब ली जाती है तो क्यों नहीं उसी बिल्डिंग में रहने वाले अन्य फ्लैट धारक जो है बिल्डिंग की सोसाइटी का साथ देते हैं, पैसा देने में क्यों आनाकानी करते हैं? उनको ऐसा करने के लिए कौन उकसाता है, कौन वरगलाता है और क्यों कर फिर बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती है? फिर यही धोखादायक बिल्डिंग अति धोखादायक होकर के तोड़ दी जाती है और फिर कोई शहर का बाहुबली किसी नेता के समर्थन पे या संरक्षण पे उस पर कब्जा कर लेता है या फिर कुछ बना लेता है। ऐसे कई मामले इस मुंब्रा कौसा में हो चुके हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर यहाँ बुलाए गए हैं पारस अपार्टमेंट के लोगों द्वारा। स्टार अपार्टमेंट करके एक इमारत है, उसके भी लोग यहाँ पर मौजूद है और इमरान मंजिल करके हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पारस अपार्टमेंट की इस कानूनी लड़ाई को छेड़ने वाले पारस अपार्टमेंट के जो निवासी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जानना मामा, उनसे बात करेंगे, उनका पूरा नाम भी जानेंगे। आप वहाँ नहीं रहते हैं, मेरी बेटी रहती है, लेकिन उसी के लिए आपने लड़ाई लड़ी, बेटी के लिए लड़ाई एक बाप लड़ रहे इस उम्र के अंदर, उसके मकान को बचाने के लिए, उसकी छत को बचाने के लिए और अन्य इमारत निवासियों की तमाम सबकी छत को बचाने के लिए। सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा। शराफ अली खान अली जानना जी। शराफ अली जी, ये पारस अपार्टमेंट में आपकी बेटी रहती है। हाँ जी। तो किस तरीके की लड़ाई यहाँ पर शुरू हुई है, क्या मामला है पूरा? वो बिल्डिंग अनाधिकृत बनाई गई, मुंब्रा में 99% अनाधिकृत बिल्डिंग है। बिल्डर कौन है? बिल्डर उस टाइम वही था खुद पांडुरंग पाटिल। अच्छा। और वही उसने वो खड़ी की, फिर वो गया पांडुरंग पाटिल जो गुजर चुके हैं और किसी जमाने में राजन किने के, पांडुरंग पाटिल जिंदा है। अच्छा। तो ये राजन किने के करीबी हैं, खास एकदम बोले तो उनके रिश्तेदारी में थे। अच्छा। और उनके सबके मिली भगत से वो बिल्डिंग खड़ी हो गई। हाँ। उसमें हमारी बेटी ने रूम लिया। अच्छा। आज कई सालों से वो उधर रहती है। अच्छा। अभी वो बिल्डिंग को धोखादायक डिक्लेयर करने के चक्कर में ये सब नेता लोग पड़े उधर के। हाँ। उसको बचाने के लिए हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो इतनी धोखादायक तो नहीं है कि भाई उसको गिराना चाहिए। अच्छा। उसको रिपेयर हो सकती है, हमने आर्किटेक्ट से गए थे, आर्किटेक्ट को लेके आए, आर्किटेक्ट ने उसको चेक किया और आर्किटेक्ट ने बताया कि भाई ये रिपेयरिंग हो सकती है जी। सब बिल्डिंग वालों ने पैसा निकाले उसको रिपेयरिंग करने लिए। हाँ। और इसके लिए हमने तहसीलदार, कलेक्टर, प्रांत, इनको भी एप्लीकेशन दिया है। हाँ। और प्रांत ने और हाँ। कलेक्टर साहब ने लेके दिया है कि भाई तुम रिपेयरिंग करा लो। अच्छा। हाँ, फिर भी उधर लोग उसको आड़ीबाजी करते हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? प्रांत और कलेक्टर ने आपको ऑर्डर कर दिया है कि आप रिपेयर कर सकते हैं, उसके बावजूद क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये इधर के जो स्थानिक है, उधर का वो जो पांडुरंग पाटिल का छोकरा है कैलाश। हाँ। वो उसके कुछ दूसरे जोड़ीदार। हाँ। फिर जो उधर के स्थानिक लोग उसको तकलीफ देते है कि भाई नहीं, इधर नहीं बनाने का,
इसको तोड़ो, इसको तोड़ के बनाने का। अच्छा, अभी हमारे आँखी के सामने ये नूरानी गिर गई, नूरानी को गिराया गया। हाँ। आज नूरानी की हालत क्या है, नूरानी के रहने वाले किधर है, दर बदर हो गए। हाँ। वो नूरानी बनी नहीं, अभी पारस गिरा के उसकी भी यही हालत कराई गई। अच्छा, बाद में वो बिल्डर कोई दूसरा ला के बनाएगा, बोलेगा भाई मेरे को तो मालूम नहीं, मैंने तो तुम लोग से एग्रीमेंट किया नहीं, मैंने तो भाई जगह मालिक से एग्रीमेंट किया है। हाँ। मुझे जो रहवासी है उनको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, लावारिस छोड़ दिया, लावारिस छोड़ जाएंगे। इसलिए मैंने तहसीलदार में एप्लीकेशन किया है, प्रांत में एप्लीकेशन किया है, कलेक्टर को एप्लीकेशन किया है, तो उन लोग से उनको ये जवाब आया कि भाई तुम रिपेयरिंग कर सकते हो, और उसके इससे वो लोग रिपेयरिंग करने लिए है। हाँ। अभी उनको क्या दिक्कत अभी आ रही है मुझे नहीं मालूम, वो यूसुफ बताएगा या यूसुफ के घर वाले बताएंगे या वो बिल्डिंग में रहने वाले बताएंगे। आपका नवासा है यूसुफ? हाँ, मेरा नवासा है जी। ठीक है यूसुफ, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ऑर्डर्स होने के बावजूद जो है रिपेयरिंग का काम नहीं करने दिया जा रहा है। काफ़ी दिनों से तुम बहुत सारे मीडिया वालों से संपर्क भी कर रहे हो, सारी बातें भी बता रहे हो, मुझे भी तुमने जाती तौर पर बताई ये बातें, कॉल भी किए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या दिक्कतें आ रही है? सर, ये सबसे पहला तो सर, हम लोग ने जो 43 फ्लैट है हाँ। उसमें से हमने 35 ने पैसा ऑलरेडी जमा कर दिया था हाँ। तो जो 6 जन है वो तो पैसा देने के लिए राजी नहीं है, और वो 6 जन के ऊपर नगर सेवक का हाथ है हाँ। क्योंकि हम नगर सेवक के पास स्टार्टिंग में हम पहले उनके पास में ही गए थे, उनके यहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो मेरे नाना के पास जाके मैंने कानूनी जो कानून दाव पे जो, तो वही हिसाब से मैंने कलेक्टर वहाँ से सबसे ऑर्डर लेके आ गया हूँ। अच्छा। उसमें से जो एक जन है राम असे भैया हाँ। उसने अपने हाथों से बिल्डिंग गिराने के चक्कर में पूरा छील दिया अंदर से। अच्छा। और पेमेंट के लिए कुछ बोलता है नहीं, वो मेरी बिल्डिंग तो छोड़ो, बाजू में अर्चना पैलेस है ना हाँ। उधर भी मतलब पैसा दिया ही नहीं, मतलब सबसे पहले चोरी उसने उधर ही किया, पैसा नहीं देना मतलब चोरी। उधर भी एक ही डायलॉग बोलता था कि बिल्डिंग वाले मीटिंग में नहीं बुलाते, और कुछ होता कुछ बुलाते, हम मीटिंग में बुलाते आज से लेके झाड़ू वाले रखे, जब भी पैसा नहीं दिए, लिखा ना मेरे पास। उसके बाद हम लोग ने लाइट का पैसा मांगे वो भी नहीं दिया, अब रिपेयरिंग में भी नहीं दे रहे, वो यही चाहते हैं बिल्डिंग गिरे, उसके बाद वो लोग ऐसा लगता है कि हम 1200 रुपया देके नई बिल्डिंग बना देंगे, मतलब वो दे सकते हैं। रफीक, आप देख सकते हैं हैंडीकैप आंटी है हाँ। ये अंकल है जो मतलब हैंडीकैप है, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने पूरा मेहनत का वो घर पर लगा दिया, अगर वो कहाँ से लाएगा, 220 रुपया अभी कैसे कैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाल रहे, 1-1.5 लाख, तो वो 8-9 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, और बिल्डिंग गिरने के बाद खड़ी होगी ये किसने बोला, तो आपको म्यूनसिपालिटी ने OC दिया है क्या, CC दिया है क्या, नहीं दिया है, वो नहीं दिया तो बिल्डिंग कैसा खड़ी होगी, जैसे आप देख रहे कितनी बिल्डिंग गिर गई है। फिर भी मैंने कायदा कानून से मैंने पहले टकरा दिया था बिल्डिंग हाँ। स्टार्ट के पहले हाँ। ये 6 जन के पूरे नाम लिखा था मैंने, ये पूरे नाम मैंने 6 जन का दिया था, कैलाश पांडुराम पाटिल यांचा 3 घर रूम नंबर 501 502 और 101 करके दिया था, और ये राम असे भैया हाँ। उसके नीचे ये 6 जन का नाम दिया था। उसके बाद मेरे को वहाँ से कलेक्टर ने ऑर्डर दिया था हाँ। कमिश्नर को दिया था, ये सहायक आयुक्त को हाँ। मतलब ये आयुक्त को दिया था, आयुक्त ने सहायक आयुक्त को दिया ये हाँ। दिया था कि आप पारस के रहवासी लोग का ये करना, और रफीक भाई आपके सामने उन्होंने मुझे बोला था हाँ। कि आप बिल्डिंग का काम चालू करो, 6 जन का घर आके मैं सील कर दूंगा। आज 4 महीने से मेरे को आना तानी कर रहे, फिर उस दिन मेरे को पर्सनल कॉल आया कि बोले तू मेरे को अकेले आके मिल हाँ। और मैं अकेले आके, किसका कॉल आया था? ये सागर सालों के सर का। अच्छा, AMC हाँ। जी हाँ जी हाँ। मैं हाँ। मुझे ये 3 घंटा बिठाया गया वहाँ से, फिर मैं अंदर गया ना, अंदर जाने के बाद मुझे बोलते हैं कि आप, मैंने बोला कि आप नहीं आ रहे हो तो मैं आंदोलन पे बैठ रहा हूँ हाँ। तो बोले तू आंदोलन पे बैठेगा तो तेरी बिल्डिंग में धोखाधड़ी करके बिल्डिंग तोड़वा दूंगा। अच्छा, मतलब ये टोटली धमकी जो हुई है हाँ। वहाँ पे गोस्वामी सर भी बैठे थे, वो बोलते ये तुम्हारा कायदा कानून, मतलब ये आपको कोर्ट कचहरी से, अरे यहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो कोर्ट कचहरी ये देखने जाएंगे तो बिल्डिंग टूट जाएगी। अच्छा, तो आपको मैंने कलेक्टर से ऑर्डर निकाल के दिया, उसके बाद भी मैंने आपको हर बाजू से ऑर्डर निकाल के दिया, तो आप क्यों नहीं आ रहे? उनका बोलेगा मतलब है इलीगल बिल्डिंग। अगर इलीगल का मतलब क्या होता, मेरी तो 30 साल पहले बनी हुई, आपके आने के बाद यहाँ पे कितनी बिल्डिंग इलीगल बनी, 8-8 माले की टावर हाँ। एक गरीब मेरे ये मार्केट में छोटा सा खाली माला दुकान के ऊपर खड़ी किया, उसका आगे तोड़ दिए, और जो 8-8 माले के टावर बना रहे, जो नगर सेवक 4-4 माले के घर बना रहे, उसका कोई नहीं टूटा, मतलब ये कहीं ना कहीं रैकेट है या ये लोग का बिजनेस है। अच्छा यूसुफ, मुझे बताओ कि बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए कलेक्टर से और प्रांत से ऑर्डर लेने के बावजूद तुम्हारी क्या कानूनन उम्मीदें हैं कि थाने मनपा प्रशासन ने और मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों ने क्या मदद करनी चाहिए? सर, मैं तो यही ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी देखो हमारे मुमरा में 100% गरीब लोग हैं हाँ। ठीक है, तो आप लोग उसकी मदद करो, वो लोग आपके पास आते तो आप लोग जाओ, जो पैसे नहीं देते उनका घर सील करो। अच्छा। वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे वो ध्यान ये देते नहीं है। अच्छा, अब मेरे घर में कैसे, मेरे डैडी 40 साल से ऑटो चला रहे, तो उन्होंने पढ़ा लिखा, उन्हें अच्छी सिखा मन दिया, तो मेरे घर पे मेरे डैडी ने 2 साल से मैं काम धंधे पे भी नहीं, तो
तुमने इतनी कानूनी लड़ाई लड़ी, नाना ने तुमको इसमें गाइड किया है, डैडी ने तुम्हारे गाइड किया है, कुछ तुमने भी जानकारी हासिल की है, तो कोई ऐसा प्रोविजन है कि MRTP एक्ट आता है 1949 का, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, दूसरा है BPMC एक्ट, तो इन दोनों एक्ट के तहत ऐसा कहीं कोई जानकारी आपको मिली है कि इस तरीके की इल्लीगल बिल्डिंग में लोगों के, अन्य फ्लैट धारकों की मांग पर जो पैसे नहीं दे रहे, ऐसे लोगों के घर सील किए जाए? जी हाँ सर, सर देखो ना मेरे को, हाँ, ये प्रांत सर ने मुझे, हाँ, ये लिख के दिया। अच्छा, ये प्रांत सर ने मुझे, हाँ, 29 तारीख को लिख के दिया। हाँ, उसके बाद ये कलेक्टर सर ने आयुक्त को भेजा और ये वो जो जो बिल्डिंग तोड़ने आते उनको दिया। अच्छा, अच्छा, ये दोनों चीज़ें दी हैं जी, ठीक है। देखिए तरी सदर पत्राच्या अनुषंगाने आपले स्तरावरून पुढील योग्य ती कारवाई करण्याबाबत आपले अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात येऊन अर्जदार यांना आंदोलन करण्यापासून परावृत्त करण्याबाबत आहे। युसुफ, इसमें खुलासा नहीं है उनकी तरफ से कि इन विच लॉ? ये प्रांत सर ने लिखा है ना कि, हाँ, आप लिख के दो। अगर प्रांत सर ने लिखा है मतलब आपको कहीं ना कहीं वो ऐड है, उन्हें आयुक्त को लिख के दिया, अगर नहीं रहता तो वो साफ मना कर देते मुझे। अच्छा, यहाँ दिया उन्होंने, अर्जदार पारस अपार्टमेंट आनंद कोळीवाडा मुंब्रा तालुका जिल्हा ठाणे येथील रहिवासी यांनी विषयांकित प्रकरणी सादर केलेल्या अर्जाबाबत शासनाचे प्रचलित नियमानुसार आपले स्तरावरून उचित कार्यवाही करून त्याबाबत अर्जदार यांना आपले स्तरावर परस्पर अवगत करा। हाँ, तो वो कौन सा मतलब लीगल प्रोविजन वगैरह ये मांग नहीं की आपने, उनसे पूछा नहीं क्या, ये TMC के अधिकारी जी? सर मैंने ना ये, हाँ, पूछा मुझे, मैं ये आज भी हेड ऑफिस गया था, वो हेड ऑफिस ने मुझे बोला कि आपका ये पेपर यहाँ पे सागर सालों के सर के पास आया है, आपको यहाँ से रिप्लाई मिलेगा। अच्छा जी, और कैसा उसके बाद आपको जो लिखान देंगे उसके ऊपर आपको ये करना पड़ेगा, सहमत करना पड़ेगा करके। ठीक है, ठीक है। ये बातचीत हुई हमारी पारस के पूरी कानूनी लड़ाई को अपनी बेटी का मकान बचाने के लिए एक बाप से, और उसके बाद यूसुफ जो उनके नवासे हैं। ऐसा ही एक मामला है इब्राहिम इमरान मंजिल का। इमरान मंजिल के ये लोग हैं हमारे पास, क्या नाम है आपका? मुस्तफा भाई, क्या जानकारी देंगे? मैंने हमारे बिल्डिंग ने जब रजा कंस्ट्रक्शन को काम दिया हुआ है, हाँ, तो उसे रिपेयरिंग का काम दिया था। अच्छा, ये कब दिया था आपने? एक साल पहले उसे 25 काम का वादा किया था। हाँ, 25 काम 16 लाख इसमें कर देगा मेरा। अच्छा, हाँ, उसने 80% पैसा ले चुका है। हाँ, 13,30,000 रुपया। हाँ, और इस 25 काम इसका अमाउंट है 16,46,000। अच्छा, ये अमाउंट है 80% पैसा लेने के बाद उसने आधा काम छोड़ दिया। और उसके बाद अभी हम लोग उसके पास जा रहे हैं, बोले और पैसा दो, लेकिन उस 80% में मेरे पास कुछ वीडियो है। हाँ, 80% के ऊपर काम हुए, 80% वो बोल रहा है। हाँ, हमारे हिसाब से 60% भी काम नहीं है, सारा डेंजर पार्ट छोड़ दिया है। अच्छा, तो जैकेटिंग होता है, कॉलम होता है, जो स्लैब होता है, वो सब काम नहीं किया है, क्योंकि कभी धोखा दे तो वो रह जाएगी ना। अच्छा, बाहर कलर किया, प्लास्टर किया हुआ है, उसके भी फोटोज है, मैं आपको दूंगा। हाँ, वो भी आपने देखा तो फोटोज देखो, बाहर कलर किया हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है, उसके फोटो अच्छे लग रहे हैं आपको। हाँ, तो उसके अंदर के हिस्से में कुछ नहीं किया था। ठीक है, अब आप हमें दे दीजिएगा, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे इसमें। हाँ, तो अब क्या स्थिति है, क्या पोजीशन? अब ये पोजीशन है कि जो 80% काम बोल रहा है वो उतना नहीं हुआ है, लेकिन बिल्डिंग अभी भी डेंजर में है, धोखाधड़ी में है, सीढ़ी का काम नहीं किया हुआ है, हमारे साथ कुछ चैलेंज है हमारे विचार में। हाँ, सीढ़ी का काम छोड़ दिया हुआ है, किसी का रूम का भी छोड़ दिया हुआ है, जो कि जरूरत है। हाँ, जैकेटिंग का काम इम्पोर्टेंट है। हाँ, कलर मारना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने बाहर कलर मार दिया और बाहर प्लास्टर कर दिया मेन। अच्छा, ये इमरान अपार्टमेंट है कहाँ पर? ये नूरानी मस्जिद है ना सामने। हाँ, उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, नारायण नगर के, नारायण नगर एंट्री पे, एंट्री पे एंट्री है। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? अब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है और पैसा दो मेरे को 4,00,000 रुपया। अच्छा, तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, 4,00,000 उसको देने को तैयार है सब बिल्डिंग वाले। हाँ, लेकिन जो 80% काम नहीं किया हुआ उसको फिर और पैसा देके क्या मतलब है? वो अच्छा, पैसा पूरा ले रहा है पहले और काम 50% कर। यानी मुस्तफा भाई आपका ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर नाम के लिए काम तो ले लेते हैं, और लेकिन काम मुकम्मल नहीं करते, आधा काम करते और पूरा पैसा लेते, और पूरा पैसा लेते, आधा काम करते और पूरा पैसा लेते, पूरा पैसा लेते, पहले उसके जेब में पैसा रहता है बाद में काम करते। यानी मुंब्रा में ये एक पैटर्न बन चुका है कि इमारत रिपेयरिंग के नाम पर जो है पूरा पैसा लो, अधूरा काम करो और चले जाओ। और दूसरा क्या है, हम लोग लेडीज लोग के पास आके हुल देके लेते हैं, भाई पैसा दो तुम्हारे बिल्डिंग धोखे में, कल म्युनिसिपैलिटी आके खाली कराएगी। ये एक साल से बिल्डिंग वाले और कॉन्ट्रेक्टर हम लोग के पीछे लगा है, कभी भी खाली करा सकती, लेकिन आज एक साल हुआ ना म्युनिसिपैलिटी आई ना कोई आया हमारे बिल्डिंग। अच्छा, लेकिन उन लोग ये बोल रहे हैं कि कभी भी तुम्हारी खाली कराएंगे, धोखे दैत। अभी तो धोखे दैत है, जब 50% काम हुआ है तो धोखे दैत में तो रहेंगे हमारी।
लेकिन कॉन्ट्रेक्टर काम छोड़ के चला गया और पैसे तो बोलते हैं। धोखादायक की कौन से कैटेगरी की नोटिस कॉर्पोरेशन ने दी? C2B दी है, यानी कि आप रहते हुए करा सकते, रिपेयरिंग करा सकते, वैसे ही करा रहे हम लोग। हाँ, उसी तरह से करा रहे हैं, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारी बिल्डिंग अभी भी डेंजर में। अच्छा, अभी इस मामले में पारस के जो यूसुफ है और उनके नाना है, इनसे क्या मदद मिली आपको? नाना की जो उनकी बेटी है ना, मेरी वाइफ की सहेली है, मतलब अच्छा। दोनों फ्रेंड, यूसुफ की मम्मी और मेरी माँ, मेरी वाइफ दोनों हाँ। खास सहेली है हाँ। तो उन्होंने, यूसुफ ने, मेरा भांजा ये समझ लो मेरे हाँ। तो उसने बोला अंकल तुम आओ, अपन तुम्हारे भाई काम करेंगे हाँ। तो मैंने भी उसको बोला कि भाई देख हमारे इतना काम छोड़ा हुआ है कॉन्ट्रेक्टर ने, तो बोले अपन कुछ नहीं कर सकते, इन लोग चौकी में भी हम लोग ने NC लिखा है उसके खिलाफ, लेकिन चौकी वाले भी क्या बोलते हैं भाई, वो तुमने पैसा उसको दिया, हमको तो ना पूछे थे बराबर। यहाँ तक कि हम लोग म्यूनसिपालिटी में भी जाते तो वही बोलेंगे भाई तुमने पैसा उसको दिए, हमको तो ना पूछे, तो हम पैसा देके उसको फंस गए, 13,30,000 उसको दिए, उतना काम नहीं किया हुआ है उतना काम नहीं किया। अगर म्यूनसिपालिटी चाहती है तो आके इंक्वायरी करे, देखे अगर 50% काम है तो हम झूठे, हम सही है, और 80% काम है तो वो हम झूठे, हाँ हम झूठे। ठीक, तो इस तरह से मुमरा में धोखादायक, अति धोखादायक इमारतों का ये मुद्दा, जैसे इमरान अपार्टमेंट के रिपेयरिंग का कैसा गड़बड़ झाला चल रहा है, पूरी मुस्तफा भाई से आपने बात सुनी, पारस को लेकर के क्या खेल चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उस पर बातें यूसुफ और उनके नाना ने रखी है। मुमरा में धीरे धीरे 90% से ज़्यादा अवैध इमारतें बनी हुई है और ये समस्या आगे चल करके और ज़्यादा गहरी होती जाएगी, ज़्यादा ये बढ़ती चली जाएगी। हम समझते हैं कि गृह निर्माण मंत्री महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कलवा मुमरा के विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड। घर मकान, चाहे वो SRA का हो, चाहे म्हाड़ा का हो, MMRDA का हो, वैध हो अवैध हो, हर तरह का घर जो है वो आपके अंडर आता है। और समझते हैं कि जितेंद्र आव्हाड जो है अपने स्तर पर जो है इन लोगों को बुला करके संपर्क करें और ये रिपेयरिंग जो बिल्डिंगों की रुकी है उस रिपेयरिंग को कराने में इनकी मदद करें, ऐसी उनसे हम अपेक्षा करते हैं। इन तमाम इमरान अपार्टमेंट है, पारस अपार्टमेंट है, ऐसी तमाम जो दूसरी भी इमारतें, इन तमाम इमारत निवासियों की तरफ से हमारा गृह निर्माण मंत्री जी को एक निवेदन है और उम्मीद करते हैं कि वो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और ज़रूर अपने मुमरा कौसा और अपने विधायक के क्षेत्र के ये लोग हैं, विधायक विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं तो उनको ये मदद ज़रूर करेंगे इस उम्मीद के साथ, और थाने मनपा अधिकारियों को इस बारे में जो है वो उचित तरीके से जो है आदेश निर्देश भी देंगे। यूसुफ, इतनी कानूनी लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो पारस के तमाम लोग, अगर जिस तरीके से मनपा से, प्रशासन से निर्णयों की उम्मीद है, अगर वैसे तरीके के फैसले निर्णय नहीं आते तो अगला कदम क्या होगा? सर फिर हम ये जितने भी सीनियर सिटीजन है तो हम लोग सीधा ये आंदोलन पे यहाँ पे बैठ जाएंगे पुलिस चौकी के बाहर। अच्छा, अंबेडकर चौक के बाहर? जी हाँ जी, ये अड़चन पे बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे। अच्छा, क्योंकि ये मसला मेरे बिल्डिंग के साथ पूरे मुमरा का मसला है हाँ। और मैंने लॉकडाउन में भी देखा कि तनवा नगर में ये 2-3 बिल्डिंग ये खाली करवाए, पर TMC ने ये नहीं देखा कि खाली क्यों हुई है, कि किस मतलब कुछ 5-6 लोगों की वजह से सब पब्लिक रोड पे आ रहे हैं। अगर आपको 6 जन का परमिशन नहीं है ना, आप बोलते हो कि मेरा परमिशन नहीं है, तो आप 35 जन का भी घर सील नहीं कर सकते आके, आप खाली नहीं करवा सकते।